जोहार दोस्तों, आज पापा के साथ रांची गए हुए थे कुछ शॉपिंग के पर्पज से, तो रिक्शे पर सवारी का कुछ अनोखा पल आप सबों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। आज धूप बहुत ज़्यादा थी और सोचा चलो रिक्शे में चला जाए। कुछ सामान हमारे पास ज़्यादा थी तो सोचा हम लोग रिक्शे में सफ़र करते हैं और साथ में थोड़ा रांची का व्यू का आनंद लेते हैं। तो अभी हम दोनों सीधा चले जेबीआर कॉलेज से होकर के कांटा टोली तक। तो रास्ते में कुछ इस प्रकार का ट्रैफिक रहता है, थोड़ा बहुत भीड़ भड़ाका। रास्ते के लेफ्ट राइट दोनों तरफ फल फ्रूट्स चरा चरा के दुकान से भरे पड़े थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सिर पर गर्मी पड़ रहा था। लोगों को देखा हमने, सब अपना अपना मंजिल की ओर सफ़र कर रहे थे। ये ज़िंदगी क्या चीज़ है जो हमें जीवन जीने से मजबूर कर देती है। कोई घर के अंदर में काम करता है तो कोई धूप में काम करता है, कोई स्कूल जाता है तो कोई जॉब करता है। तो साथियों, ज़िंदगी यूं ही हमें नहीं मिली है, ज़िंदगी में हम संघर्ष करते रहते हैं। इतना तापती धूप में हमारा ड्राइवर जो रिक्शे वाला था हमें मेन रोड से कांटा टोली तक, जो कितना भारी भरकम वजन को अपना पैरों से एकदम पैडल मार करके हमें ले जा रहा था कांटा टोली। दो पल का पेट का के लिए वो कितना मेहनत करता है। इंसान को क्या चाहिए जीने के लिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और घर चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम कुछ पल और कुछ सीन आप सबों को दिखाते हैं। आज का दिन में हम किस किस क्षेत्र में हम लोग गुजरे, कहाँ गए, क्या किए, थोड़ा बहुत आप सबों को इस प्रकार वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रहा है। तो साथियों, अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं कांटा टोली। तो हम लोग फाइनली कांटा टोली पहुँच गए हैं। ये आपका चौक है, तो हम लोग चौक से थोड़ा पेट्रोल पंप मिलते हैं, वहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, वहाँ से हमारी बसें मिलेंगी। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना घर जो कि रांची का, रांची से हम लोग जमशेदपुर की ओर सफ़र करते हैं। भीड़ नहीं होगा, काम होगा। बुंडू तमाड़ होकर के हमारा लोकल रोड आता है रणगांव। तो हम लोग रणगांव में उतरते हैं, फिर रणगांव से हम लोग जो भी अपना प्राइवेट यातायात का सुविधा है उससे हम लोग ट्रेवलिंग करके अपना घर पहुंचते हैं। आदमी खिलौना है, हर पल हर घड़ी यार आदमी काम करते रहता है। ज़िंदगी कितना संघर्ष भरा जीवन है भाई। लोग कहते हैं ना, आदमी खिलौना है, खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जाता है आदमी का।